उठ गाड़ी करना। सो हे नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं कच्छ में और हम आप लोग को आज दिखाने वाले हैं कि रण उत्सव में आप क्या क्या चीज देख के एंजॉय कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो में आगे। अगर आप लोग टेंट सिटी में इतने महंगे में नहीं रहना चाहते हो तो यही रण ऑफ कच्छ के 1-2 किलोमीटर के दायरे में आपको बहुत सारे टेंट हाउस अफोर्डेबल प्राइस पे देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली हम लोग अपने रण उत्सव के मेन एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने टेंट हाउस बुक नहीं किया है तो यहाँ पे आपको परमिट लेना पड़ेगा और यहाँ पे आप टिकट प्राइस देख पाओगे। सो यहाँ से जो मेन एंट्रेंस है व्हाइट रन का, वो यहाँ से कुछ लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आपके साथ कोई फैमिली आती है या जिनको 2 किलोमीटर नहीं चलना है तो उनके लिए यहाँ पे घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी की व्यवस्था की गई है। पर अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से माने तो आप ऊंट गाड़ी करना। हाँ, ऊंट गाड़ी करना क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही तेजी से आपको अंदर तक लेके जाएगी। तो फिलहाल हम लोग ऊंट गाड़ी तो नहीं, हम लोग को धीरे धीरे जाना है, इसलिए हम लोग घोड़ा गाड़ी करके चलते हैं अंदर की तरफ। वैसे अगर आप लोगों ने अभी तक रण उत्सव नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रण उत्सव का जो टाइमिंग है वो 27th of March तक एक्सटेंड हो चुका है। तो आप अभी भी टिकट बुक करवा के यहाँ पे आ सकते हो। अब आते हैं इस ऊंट गाड़ी या घोड़ा गाड़ी के प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों को 700 से लेके 800 तक ले लेंगे, बट वो डिपेंड करती है कि आप कितने स्मार्टली आप बार्गेनिंग कर सकते हो। तो हमें ये जो घोड़ा गाड़ी है वो लगभग 800 रुपए का पड़ा था। तो अगर आप लोग कच्छ पहुंच जाते हो और अगर आप लोग सोच रहे हो कि कितने बजे हम लोग निकले रण उत्सव देखने के लिए, तो उसका परफेक्ट टाइम है आप 3 बजे आओ, क्योंकि 3 बजे के बाद सूरज ढलने की कगार पर आ जाता है और आपको वहां पे काफी खूबसूरत सनसेट देखने को मिलेगा। और शाम ढलने के बाद आपको यहाँ टेंट सिटीज में बहुत सारे इवेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ तक अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा है तो फटाक से इस वीडियो को लाइक करके जाना। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं व्हाइट रन के मेन एंट्रेंस पे, जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ आपको सफेद रण देखने को मिलेगा। वैसे आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा ही होगा और ये वही जगह है जहाँ पे जेठालाल यहाँ पे ऊंट पर बैठ के पाकिस्तान के लिए निकल जाते हैं। अरे रणोत्सव जोरदार है, सफेद रण भी क्या चीज है। अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ का लोकल म्यूजिक। अब इतनी दूर आए हैं और लोकल म्यूजिक में अपना हाथ ना बटाएं और पार्टिसिपेट ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ तक तो मैंने म्यूजिक प्ले कर लिया, अब बारी है थोड़े डांस करने की। तो यहाँ व्हाइट रन में बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जिनमें से एक है आर राजकुमार। और अभी और भी यहाँ पे कई सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना। व्हाइट रन में आने के बाद आप लोग ऊंट की सवारी तो जरूर करना, क्योंकि रण में आके अगर ऊंट की सवारी नहीं की तो फिर क्या किया। ये जो रण उत्सव होता है वो हर साल होता है नवंबर से लेके फरवरी या मार्च तक, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप लोग इस महीने के अलावा आते हो तो आप लोग
बहुत गर्मी के कारण यहाँ पे डिहाइड्रेट हो सकते हो और यहाँ पे आपको उतना उत्सव में मजा भी नहीं आएगा। अब बारी है उस जगह की जहाँ पे कहा जाता है कि शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत से आपको इवेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा आपके सामने देख पा रहे हो, ये रहा सारा टेंट हाउस। वैसे आप लोग अगर नॉर्मल टिकट लेते हो तो उसके अलग एंट्री है, और अगर आप लोग वीआईपी एंट्री लेना चाहते हो तो उसके लिए अलग टिकट प्राइसेस है। यहाँ रणोत्सव में आप न केवल ऊंट गाड़ी घोड़ा गाड़ी बल्कि ये बीच बग्गी कार से भी घूम सकते हो। अब बारी आती है हैंडीक्राफ्ट मार्केट की, जो यहाँ पे शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगी रहती है, जहाँ पे आप हैंडमेड क्राफ्ट कपड़े और भी बहुत सारे आर्टवर्क लेके जा सकते हो अपने साथ। और इसी जगह पे सारे इवेंट्स भी कंडक्ट किए जाते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं, म्यूजिक शोज होते हैं, और तो और यहाँ पे कई तरह के आपको फूड स्टॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो यहीं तक था हमारे रण उत्सव का आज का पूरा व्लॉग। अगर आपको पूरा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हम जल्दी मिलते हैं नए जगह पे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।